हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतिस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 7th एंड 12th। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.9 जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। तो क्या-क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन आपको चीजें यहां पे लिख रही हूं। सबसे पहली गिवन चीज आपको दी हुई है रेजिस्टेंस। क्या दी हुई है आपको? रेजिस्टेंस दी हुई है तो R की वैल्यू दी हुई है कितनी? 1500 ओम। 1500 ओम है आपकी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपको दे रखा है कितना मोलर सॉल्यूशन है, कितना मोलर सॉल्यूशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। उसके बाद आपको दे रखा है कंडक्टिविटी की वैल्यू, मतलब कप्पा की वैल्यू दे रखी है आपको 0.001। सॉरी, ये तो आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, कप्पा की वैल्यू आपको गिवन है। वन सेकेंड, कप्पा की वैल्यू आपको गिवन है 0.146 इनटू 10^-3 सीमेन पर सेंटीमीटर। कप्पा की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है और आपको टेम्परेचर गिवन है एट 298 केल्विन। आपको क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द सेल कॉन्स्टेंट? सेल कॉन्स्टेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, विच इज कप्पा इज इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ कौन सा फॉर्मूला है। कप्पा इज इक्वल्स टू जी एक्स। कप्पा क्या है आपकी? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है कप्पा और जी क्या है? कंडक्टेंस है। दोनों चीजें अलग अलग है, याद रखना। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी डिफरेंट है। ये है आपकी कंडक्टेंस। क्या है ये? कंडक्टेंस। और x है आपका सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये है सेल कांस्टेंट। अब g क्या होता है? कंडक्टेंस है तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है? आपकी रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है 1/1500 ओम। इतनी दी हुई है आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आप g निकालें, कप्पा की वैल्यू भी गिवन है, सब कुछ सिर्फ पुट करना है इसमें। कप्पा की वैल्यू आपको गिवन है 1.46 * 10^-4 -4 और कप्पा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/1500 इनटू एक्स। तो एक्स आपका सेल कांस्टेंट, जो क्या है आपका सेल कांस्टेंट, इससे आ जाएगा उसकी वैल्यू। क्या आएगी सेल कांस्टेंट की वैल्यू? आती है आपकी 0.219 पर सेंटीमीटर। सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करके क्या? कप्पा इज इक्वल टू जी एक्स करके। जी की वैल्यू गिवन है, कप्पा की वैल्यू गिवन है। इसमें इस मोलैरिटी का कोई हमें रिलेशन नहीं मिला, कुछ कहीं भी फॉर्मूले में यूज नहीं आए। बट आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारी ज्यादा वैल्यूज भी दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यू यूज करनी है ताकि मेरा आंसर निकल जाए। आई होप ये समझ आया होगा। हमें सेल कॉन्स्टेंट निकालना था। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों अलग चीजें होती है। अब आपकी एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।